दोस्तों, क्या आप बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं? अभी जस्ट आप मेरे वीडियो का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, इस बैकग्राउंड को मैं चेंज करने वाला हूं और आप देखेंगे जो बैकग्राउंड चेंज हो गया है। इस तरह आप अपने खुद के वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना ग्रीन स्क्रीन के। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बेस्ट ट्रिक है, बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो शूट करके आप जो वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं टेक अनिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाए दें ताकि ऐसे ही और टेक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, दोनों ही ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उन दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लें। और इस पावर डायरेक्टरी में हम उस वीडियो को इंपोर्ट करने वाले हैं जिसका हम वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका हम वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे पावर डायरेक्ट में इंपोर्ट हो जाएगा और इस वीडियो को हम लेयर 2 पे सिलेक्ट कर देंगे। तो इस वीडियो पे टैप करके आपको लेयर 2 पे रख देना है, जिससे जो हम इसका वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो जो बैकग्राउंड में जो वीडियो सिलेक्ट करेंगे वो लेयर 1 पे रख सकें पिक्चर को। तो यहाँ पे मैं उस क्लिप को कट कर लेता हूँ जिसका मैं वीडियो बैकग्राउंड चेंज करूँगा। तो यहाँ पे इस क्लिप का जो मैं वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करूँगा, तो इस वीडियो को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे एडिट वीडियो के अंदर एडिट इन कलर डायरेक्टर। तो यहाँ पे आप जो कलर डायरेक्टर 7 देखो देख रहे हैं, वो जो वीडियो है इस कलर डायरेक्टर 7 में इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल वर्जन है, आप इसे यूज ले सकते हैं 30 डेज के लिए। तो यहाँ पे जो वीडियो है कलर डायरेक्टर में इंपोर्ट हो जाएगा और जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको नज़र भी आप देख सकते हैं जो हमारा जो वीडियो इनपुट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में आप अपने लेफ्ट साइड मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग मोड मार्क्स यहाँ पे आप टैप करोगे तो ये जो ऑप्शन है ये आपको दिखेगा और ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। और इसके बाद में आपको माउस से अपनी जो बॉडी है उसको सिलेक्ट करना है। आप लेफ्ट माउस से लेफ्ट टैप करके रखोगे तो जो आपकी बॉडी है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसमें मैं खड़ा हूँ और इसको अपनी जो बॉडी को मैं यहाँ से माउस से टैप करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो माउस को आपको टैप करके रखना है ताकि जो पूरी बॉडी है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाए। तो मैं जल्दी से अपनी जो बॉडी है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछला जो वीडियो था काफ़ी फास्ट था और काफ़ी कमेंट आए थे कि सर जो पिछला वीडियो आपने बताया था वो काफ़ी फास्ट है, तो आप स्लो मोशन में धीमे धीमे मतलब वीडियो को बताइए ताकि हम उस स्टेप को समझ पाएँ। तो ये जो सेकेंड वीडियो है मैं इसलिए स्लो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी जो बॉडी को वापस से आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा टाइम लग रहा है सिलेक्ट होने में। तो जहाँ जहाँ आपकी जो बॉडी का पार्ट से वहाँ आपको माउस को ले जाना है और वो जो बॉडी है यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग हो जाएगी। तो यहाँ से मैं हेयर को कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रैक। और यहाँ पे अगर आपका कोई एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड हो जाता है तो यहाँ पे इराइज का ऑप्शन है, वहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको वापस से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से आप देखेंगे इराइज का ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे डू नॉट शो मी अगेन, तो इसको टिक मार्क करके ओके कर लेता हूँ। और ओके करने के बाद यहाँ पे आप इराइज ऑप्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इराइज पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने सेलेक्ट किया था सेलेक्ट हो गया था उसको हम यहाँ से वापस से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट पे आपको टैप करना है, माउस से टैप करके रखना है ताकि जो पार्ट्स है वो रिमूव हो जाए यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने टैप कर दिया और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ से रिमूव होने के बाद वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो जो हमने पार्ट सेलेक्ट किया था वो पार्ट्स ही आपका ट्रैक होगा, वीडियो का वहाँ से जो बैकग्राउंड वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे डू नॉट शो मी अगेन, तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को नोटिफिकेशन हटा लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट ट्रैकिंग करोगे तो ये वीडियो प्ले होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की जो लाइन है वो हमारे बॉडी के चारों तरफ आ गई और ये जो
ट्रैकिंग हो रही है, इसके जो अदर पार्ट्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो बैकग्राउंड है वो जो बॉडी की चारों तरफ रेड कलर की लाइन है वहाँ तक हमारा जो क्रॉप हो सकता है वीडियो। इसके अलावा कि इसमें कोई अदर एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाता है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको एक बार कंप्लीट होने दें। आप यहाँ पे कितने भी बड़ा आपके पास वीडियो वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। आप ही देख रहे हैं काफ़ी स्लो ट्रैक हो रहा है तो इसमें टाइम लगता है। तो इस मैंने छोटी सी क्लिप ली है आपको दिखाने के लिए कि आप बिना ग्रीन स्क्रीन के भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इस ट्रैकिंग को स्टेप को कंप्लीट होने दे। तो ये जैसे ही स्टेप कंप्लीट हो जाए तो इसमें आप देखेंगे अदर कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे भी अगर आपके ऐड होता है तो आप वहाँ से इराइजर को यूज लेके वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप है यहाँ देखेंगे अभी कंप्लीट हो गया है, जो ट्रैकिंग है वो यहाँ से कंप्लीट हो गई है। तो अभी थोड़ा मेरा पीसी स्लो है। तो ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन वापस से हटा लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो अब देखेंगे जो सिलेक्ट हो गया है एरिया, तो यहाँ पे आपको इनवाइट मार्क्स यहाँ पे दे रखा, वहाँ पे आपको टैप करना है। अब टैप करते ही जैसे ही टैप करेंगे जो हमने बॉडी सिलेक्ट की थी हमारी वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो बैकग्राउंड है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, जिससे इससे हम उसको कलर कॉन्ट्रास्ट से हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो आपको नीचे टैप करना है और यहाँ पे आप नीचे जाएंगे सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको कलर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से आपको पेंसिल को सिलेक्ट कर लें, जैसे हम ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हैं तो उस बैकग्राउंड पर टैप कर दें रेड कलर पर, और उसके बाद में आपको यहाँ पे न्यू कलर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे न्यू कलर पे करते ही आपको ग्रीन कलर है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप अदर कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जाएगा पूरा ही। तो यहाँ पे आप टोन वगैरह को यहाँ पे बढ़ा दें, हाई कर दें इसको 100% कर दें ताकि जो पूरा बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जाए। तो अभी आप देखेंगे जैसे मैंने इसको 100% किया तो जो वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे ग्रीन हो गया है, और इसमें जो अभी दिख रहा है कुछ और भी पूरा ग्रीन नहीं हुआ। तो वापस इसको ऊपर ले जाना है और यहाँ पे टोन ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको एक्सपोजर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे इन सभी तीनों को ही हाई कर देना है 100% प्लस 100% कर देना है। तो मैं इन तीनों को ही बढ़ा देता हूँ, हाई कर देता हूँ, जिससे जो पूरा ही बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं ब्राइटनेस को भी हाई कर देता हूँ और जो एक्सपोजर है उसको भी आपको 100% कर देना है, जिससे जो पूरा ही वीडियो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे जो वीडियो का पूरा बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो चुका है बिना ग्रीन स्क्रीन के। तो यहाँ पे एक्सपोजर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपका कलर टोन वगैरह आप वाइट बैलेंस सेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो आपका वीडियो का जो बैकग्राउंड अगर कट हो जाए तो इसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर बैक का ऑप्शन मिलेगा, बैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सीधे ही अपने पावर डायरेक्टर ऑप्शन में चले जाओगे। तो यहाँ पे हम उस प्रोसेस पे चले गए जब से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और वो वीडियो आप देखेंगे जो बिना ग्रीन स्क्रीन के भी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो गया और यहाँ से हमने अपने जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कर लिया है। और यहाँ पर इस वीडियो पर टैप करना है आपको, टैप करके इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे तो आपको डिज़ाइनर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे PIP डिज़ाइनर। तो जैसे ही आप PIP डिज़ाइनर पे क्लिक करते हैं तो आपको सामने क्रोमो की का ऑप्शन दिखेगा आपको, जिससे जो हम इस वीडियो का जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे क्रोमो की पे क्लिक कर दें ताकि ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे मैं क्रोमो की पे टिक मार करके इस पेंसिल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पेंसिल को सिलेक्ट करके उस ग्रीन स्क्रीन पर टैप कर दें जिससे जो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए। और यहाँ पे जो कलर रैंक वगैरह वो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे जो बैकग्राउंड है वो सो नोआ। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के आप देखेंगे जो वीडियो का बैकग्राउंड है पूरा ब्लैक हो गया,
और जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो गई यहाँ से। तो इसके बाद में हम यहाँ से ऊपर से किसी एक इमेज को अपने जो वीडियो का बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ ओनली सिलेक्ट करके, ताकि आपको पता लग जाए कि जो बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो का बैकग्राउंड वो चेंज हो गया है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ आपको, और अभी जब आप देखेंगे तो बिना ग्रीन स्क्रीन के जो वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो दोस्तों इस तरह आप बिना ग्रीन स्क्रीन के भी अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इस टिप्स के माध्यम से। तो दोस्तों इस तरह आप बिना ग्रीन स्क्रीन के वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।